क्या लिखते हैं कि नो वर्ड मस्ट एवर लीक आउट, ठीक है, अबाउट दिस प्लान, मतलब हमारी जो योजना है इसके बारे में कोई भी हमारी जो डिटेल्स है लीक नहीं होनी चाहिए, लोगों में पब्लिक नहीं होनी चाहिए, इसको हमें छुपा के रखना पड़ता है, ठीक है, इसको इट हैज टू बी अ क्लैंडेस्टीन। अब वो पूछ रहा है क्लैंडेस्टीन का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, तो क्लैंडेस्टीन का अर्थ निकलता है समथिंग विच इज सीक्रेट, जिसको रहस्य रखा जाए, जिसको सीक्रेट रखा जाए, उसको हम लोग क्लैंडेस्टीन कहते हैं, सुन लो ध्यान से, क्लैंडेस्टीन मतलब होता है जिसको हमें रहस्य की तरह से रखना होता है, ओके, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सीक्रेट के रूप में। उसके बाद अगले हिस्से पे आपसे पूछ रहे हैं वो कि टेक दिस मेडिसिन ट्वाइस, ये दवा को आप दिन में दो बार लीजिएगा, इट विल इनहिबिट, इनहिबिट का मतलब पूछ रहा है, इनहिबिट द इन्फेक्शंस, ठीक है, स्प्रेड इन द बॉडी, इनहिबिट का अर्थ क्या है, इनहिबिट का अर्थ होता है टू स्टॉप या फिर टू स्लो, टू स्टॉप करना या फिर टू स्लो डाउन करना, ठीक है, तो ये क्या ध्यान रखना है, किसी चीज को स्लो डाउन करना या रोकना उसको हम लोग इनहिबिट के रूप से जानते हैं, तो इसका आंसर बनेगा नंबर टू वाला, टू ब्लॉक और टू स्लो डाउन, इसका आंसर क्या बनना है इनहिबिट का, टू ब्लॉक और टू स्लो डाउन, ये इसका राइट आंसर बनना था। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता है आपके पास ये, ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, अगला क्वेश्चन आता है, व्हेन योर प्लान ब्रिंग्स अस ग्रेट वेल्थ, जब तुम्हारी योजना हमारे को काफी धन कमा के देगी, यू विल बी रिवॉर्डेड फॉर योर सेगेसिटी, तो तुम्हें अपनी सेगेसिटी के लिए, अब पूछा सेगेसिटी का अर्थ बताइए, के लिए तुम्हें इनाम मिलेगा, तो सेगेसिटी का मतलब होता है बुद्धिमानी, ठीक है, सेगेसिटी का अर्थ होता है इंटेलिजेंस, ठीक है, स्मार्टनेस, ठीक है, कुछ सेगेशियस होना मतलब वेल प्लान्ड होना, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग सेगेशियस या सेगेसिटी, सेगेसिटी का अर्थ क्या बनता है, कुछ चीज इंटेलिजेंस से जोड़ के देखी जाए या बुद्धिमानी से जोड़ के देखी जाए, तो इसका आंसर बनता है नंबर तीन वाला, सेगेसिटी मतलब इंटेलिजेंस, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, फिर से बहुत इंपॉर्टेंट, अब नरेशन की बात आ जाती है, हमने नरेशन का हिस्सा करना था, उसको मैं आगे कंटिन्यू करवा रहा हूं, लिखता है ही सेड वर यू एबसेंट देर, अब सबसे पहले बात ध्यान रखना, ये आपके पास क्वेश्चन का फॉर्मेट है, मुझे सबसे पहले ध्यान रखना है इफ या वेदर की बात ध्यान रखनी है, ठीक है, मुझे देर का हियर बनाना है, ठीक है, ये बातें ध्यान रखना, और ये ध्यान रखना वर यू एबसेंट देर, अब इसके साथ में आपको ट्रीटमेंट कैसे देखना है, ये जो वर है ये बराबर होगा किसके, हैड बीन के, ठीक है, तो अब देखो ये चीजें मुझे कहां मिलती हैं, ही आस्क्ड के साथ में देखो वेदर लिखता है, ही हैड बीन एबसेंट देयर, ए के लिख के दिया, ही आस्क्ड इफ ही हैड बीन एबसेंट हियर, ये काटा मैंने हियर की वजह से, बी ऑप्शन कैंसर है, ही आस्क्ड वेदर ही वाज एबसेंट देयर, ही आस्क्ड वेदर ही वाज, अब ये वाज लगा रहा है, मुझे चाहिए था उसके अंदर क्या चीज, हैड बीन चाहिए था, तो इसलिए मैंने सी ऑप्शन कैंसिल कर दिया। उसके बाद बच्चा क्या मेरे पास, नीचे देखो ध्यान से, ही इंक्वायर्स वेदर ही हैड बीन एब्सेंट देयर, ए के लिख के देता है, और ही आस्क्ड वेदर ही हैड बीन एब्सेंट देयर, अब यहां पे भी देयर है आपके पास, ठीक है, ही इंक्वायर्स लिया लेकिन ये गलत हुआ, इसलिए मेरे पास आंसर क्या बनता है, ए वाला, इसका राइट आंसर क्या बनेगा, ए वाला, आई बात समझ, बी नहीं है, ध्यान रखना ए वाला आंसर है, ठीक है, तो ये ध्यान रखो, इस वजह से इसके अंदर बी मैंने क्रॉस कर दिया, क्योंकि यहाँ पे इसने हेयर लिखा हुआ था, मैंने सबसे पहले बात देखी कि यहाँ, सॉरी मेरी गलती, यहाँ पे ये जो है ये हेयर है, ठीक है, तो इस सेंटेंस के अंदर जब मैं हेयर लिखता हूं तो ये हेयर का तो देर में कन्वर्ट होना चाहिए था, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखो, अगर यहाँ पे हेयर है तो यहाँ पे देर का इस्तेमाल होना चाहिए था, हेयर का इस्तेमाल दोबारा से थोड़ा होगा, तो ये ध्यान रखते हुए ही आस्क्ड वेदर ही हैड बीन एब्सेंट देर का आंसर करेंगे इसके अंदर, ठीक है, हेयर का देर और देर का हेयर कन्वर्ट करना है, क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो गया था। वेदर कहां से, वेदर इसलिए आया क्योंकि अगर मेरे पास, जब ध्यान रखना है कि क्वेश्चन आता है और हेल्पिंग अब से शुरू होता है तो मुझे इफ या वेदर का प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे ये हेयर है, ये देर नहीं है, ये हेयर है यहाँ पे, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन को, क्वेश्चन लिखता है, मिस्टर ठाकुर सेड टू मिस्टर पांडे, डिड यू राइट टू हिम सच एन इंसल्टिंग लेटर, अभी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझो ध्यान से, सबसे पहली बात आता है मिस्टर ठाकुर सेड टू मिस्टर पांडे, तो ये तो आएगा सबसे पहले लिखा हुआ कि मिस्टर ठाकुर आस्क्ड या इंक्वायर्ड मिस्टर पांडे, ठीक है, अब यहां पे क्योंकि हेल्पिंग अप से शुरू हो रहा है तो सेंटेंस के अंदर ये ध्यान, डिड यू राइट वाले सेंटेंस शुरू हो रहा है, तो यहां पे मेरे को क्या लगाना पड़ेगा, इफ, और यहाँ पे इंसान कौन है, ही की बात करेगा वो,
ठीक है। अब अगला ऐसा मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। अब यहां मुझे क्या मिलता है, डिड का इस्तेमाल। सबसे पहले ध्यान रखना, डिड यू राइट टू हिम सच एन इंसल्टिंग लेटर को मैं कन्वर्ट करने वाला हूं, तो ये पास्ट का इंडेफिनिट है, इसको मैं हैड के साथ कन्वर्ट करूंगा वी थ्री लगा करके, ठीक है। तो क्या लगने वाला, इफ ही हैड रिटन, ठीक है, ये मुझे मेन चीजें ध्यान रखनी थी। अब देखो क्या क्या है इसके अंदर, लिखता है मिस्टर ठाकुर इंक्वायर्ड दिया, एक इसने एएसकेएस दिया है, ये तो मैंने क्रॉस कर दिया पहले। मिस्टर ठाकुर सेड टू मिस्टर पांडे इफ ही हैड रिटन टू हिम सच एन इंसल्टिंग लेटर, एक दिया इसने, ठीक है, और एक देता है मिस्टर ठाकुर आस्ट मिस्टर पांडे इफ ही हैज, ये हैज इसलिए गलत हो गया। अब मेरे पास दो बचे ए और सी। अब बचता है मिस्टर ठाकुर इंक्वायर्ड मिस्टर पांडे इफ ही हैड रिटन टू हिम सच एन इंसल्टिंग लेटर, ठीक है, और एक देता है लिख करके इंक्वायर्ड दिया इसने लिख करके यहाँ पे, और देता है मिस्टर ठाकुर का सी वाला, मिस्टर ठाकुर सेट टू मिस्टर पांडे, तो सेट नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे इंक्वायर्ड के बराबर क्या होता है, आस्ट होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना था। तो इसका आंसर क्या क्लिक हुआ, ए वाला आंसर क्लिक हुआ, डन हो गया। चलो बच्चों अगले पे आ जाओ, अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आपको क्या मिलता है, आई सेड टू माई वाइफ वॉट आर यू डूइंग टूडे, ठीक है। फिर से यहाँ पे आई सेड टू माई वाइफ को मेरे को कन्वर्ट करना है आई आस्ट क्या, आई इंक्वायर्ड के अंदर। तो देखो यहां तक तो ठीक है, तो क्या मिलता है कि आई आस्ट ऑफ तो होता नहीं, सबसे पहले बात तो आस्ट ऑफ काट दिया मैंने, बी वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया, ठीक है, क्योंकि आस्ट ऑफ तो दिया हुआ नहीं है, ऑफ तो आता नहीं आस्ट के बाद में, इंक्वायर्ड के बाद में ऑफ आता है। अब बचता है मेरे पास ये बोलता है वॉट आर यू डूइंग टूडे, ठीक है, तो क्या बनने वाला है सेंटेंस के अंदर, इफ और वेदर का इस्तेमाल छोड़ना पड़ेगा, ये इस्तेमाल नहीं आएगा। अब देखो किसी के अंदर उसने इफ और वेदर लगा के दिया है, यहाँ पे डैट आया है, यहाँ पे देखो डैट लगाया है, तो ये नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वॉट के साथ में डैट का कोई काम नहीं होता। अब मेरे पास बचता है यहाँ पे वॉट वॉज शी डूइंग, नहीं होगा क्योंकि ये क्वेश्चन फॉर्मेट बना देता है, मुझे स्टेटमेंट फॉर्मेट चाहिए था, तो आई इंक्वायर्ड ऑफ माई वाइफ वॉट शी वॉज डूइंग डैट डे, इसका राइट आंसर बनेगा 26 का सी वाला राइट आंसर है। शाबाश बच्चों। बेटा आप थोड़ा सा ध्यान रखना, मैं काम को कवर करवा रहा हूँ, स्पीड हल्की सी तेज है और मैं कमेंट्स पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा हूँ इस समय, ठीक है। कमेंट्स में कोई भी अगर डाउट होती है आपको, आप मुझसे इकट्ठा पूछना, ठीक है। तो अभी सारा ध्यान सिर्फ बोलने पर है, समझाने पर है, ओके। चलो आगे देखो अगला काम, नेक्स्ट पोर्शन में मुझे क्या मिलता है, स्लाइड चेंज करके देखते हैं। निकलता है द काउंसलर सेड टू मी होम डू यू वॉन्ट टू मीट इन द ऑफिस, ठीक है। अब ये ध्यान रखना, ये एक्टिव पैसिव नहीं है जो आप हु का होम बना दो, ठीक है, ये एक्टिव पैसिव नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, यहां से ये जो हु वाला ऑप्शन है, इसकी वजह से सी वाला ऑप्शन कैंसिल, डी वाला ऑप्शन कैंसिल कर दो, ठीक है। यहाँ पे उसने एक्टिव पैसिव नहीं बनाना है, ये ध्यान रख के चलना है, ठीक है। तो अब देखो नीचे क्या दिया उसने, द काउंसलर आस्ट दिया उसने, ठीक है, मी दिया, द काउंसलर आस्ट मी आया, द काउंसलर आस्ट मी आया, यहां तक तो ठीक चल रहा था, होम के साथ तक तो यहां तक काम ठीक चल रहा था। अब बोलता है होम डू यू वॉन्ट टू मीट इन द ऑफिस, तो यहाँ पे होम, अब डू है तो डू को मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहली बार डिड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेकिन ये ध्यान रखना डिड से काम नहीं चलेगा क्योंकि ये तो क्वेश्चन बना देगा उसको, मुझे इसको बनाना है असर्टिव सेंटेंस के अंदर। तो अब मुझे चाहिए होगा यहाँ पे वी टू का इस्तेमाल, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल, ठीक है। तो अब इस केस में ध्यान रखना, होम आई वॉन्टेड टू मीट इन दी ऑफिस, ये इसका राइट आंसर बनेगा ए वाला, ठीक है। हिंट समझ जाओ, सबसे पहली बात आप क्या करो, डू को डिड में कन्वर्ट करो, लेकिन डू से भी क्वेश्चन था, डिड से भी क्वेश्चन था, हमें इनडायरेक्ट स्पीच बनानी है, तो अब आप डिड को भी चेंज करो असर्टिव आंसर के अंदर, और इसके अंदर आप सीधा क्या लगाओगे, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, इस तरह का शॉर्टकट ध्यान रखकर चलना, ये दो सेकेंड में आंसर आ जाता है। अगला देख लो, अगला आपके पास है द टीचर सेड टू मी हाउ ओल्ड आर यू, तो द टीचर सेड टू मी, सबसे पहली बात तो टीचर आस्क्ड मी तक तो बिल्कुल सही जा रहा है, ठीक है। हाउ ओल्ड वॉज आई या आई वॉज, आई एम वाला भैया तो पहले चला जाएगा, ठीक है। हाउ ओल्ड वॉज आई, है ना, मैंने कहा सर आई वॉज होता है, वॉज आई नहीं होगा। लिखता है डैट लगा रहा है, मैंने कहा डैट का उपयोग नहीं करना है क्योंकि इंटरोगेटिव वर्ड साथ में आ रहा है, इस वजह से डैट छोड़ना है, इसलिए मैंने आंसर क्या क्लिक करा, 28 का ए वाला आंसर क्लिक किया, ठीक है। आगे देखो, आज पता है मुझे खूब डिसलाइक पड़ने वाली है, खूब फटाफट से काम हो रहा है, आउटपुट निकालने बेटा एग्जाम सिर पे खड़ा है। चलो जितना भी मेहनत से कर सकते हैं कर रहे हैं, दिक्कत ज्यादा आ रही है तो बता दो मुझे कमेंट बॉक्स में, किसी को कोई ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो बोलो, कोई एग्जाम्पल रिपीट करना है तो बता देना मुझे, ठीक है। कोई नहीं, देखो आगे लिखता है आई आस्क्ड व्हाट हैपेंड, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब ध्यान रखना सेंटेंस के अंदर सबसे पहले व्हाट हैपेंड, हैपेंड क्या है, ये है आपका सेकंड फॉर्म का ट्रीटमेंट आ रहा है, तो इसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा हैड के साथ में,
हैपेंड लगा करके, ठीक है। तो अब आंसर के अंदर देखो क्या लिखता है, सेंटेंस लिखता है आई आस्ट व्हाट हैपेंड, सपोज लिखता है आई आस्ट व्हाट हैड हैपेंड, इसका आंसर है। बाकी वाले देख लेते हैं क्यों नहीं है। सेंटेंस लिखता है कि यहाँ पे इसने हैपन लिखा हुआ है इसलिए नहीं है, या हैज लिखा हुआ है इसलिए नहीं है, फिर आई हैड आस्ट लगा दे रहा है ये गलत हुआ, तो क्या बनेगा आंसर के अंदर, आई आस्ट व्हाट हैड हैपेंड, इसका ए आंसर बनेगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने का टाइम देना है, चलो लो भाई स्क्रीनशॉट लो। स्क्रीनशॉट का मतलब अरविंद एक काम कर बेटा, आज की क्लास का रिक्वेस्ट है कि वीडियो को दोबारा देख करके तब स्क्रीनशॉट पॉज करके ले लेना, क्योंकि आज मुझे काफी सारा काम करवाना है, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखाने हैं अरविंद, ठीक है। स्क्रीनशॉट के लिए टाइम भी देना है, लेकिन मैं कहूंगा थोड़ा सा आज की क्लास हो, क्योंकि आधा घंटा वेस्ट हो चुका था और मेरे पास सिर्फ 15 मिनट भी नहीं रह गए अब, तो ये ध्यान रखते हुए आज स्क्रीनशॉट तुम वीडियो को देखने के समय लोगे जब रिपीट करके देखोगे तो, ठीक है, ये आज की रिक्वेस्ट है बच्चों। चलो भाई आगे आ जाओ, लिखता है ही सेड टू मी हाउ डू यू नॉट नो मी, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात ही आस्ट मी, टोल्ड वाले भैया गए, बी वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया, ही आस्ट वाला काम मुझे चाहिए था, ही आस्ट मी, ठीक है। अब बोलता है डू का मुझे डिड बनाना पड़ेगा, ठीक है, हाउ डिड आई, ठीक है, नॉट नो हिम, ठीक है, डिड के साथ वी वन लगती है, ध्यान रखना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, कभी वी टू लगा दो, ठीक है। तो क्या लगने वाला है देखो सेंटेंस के अंदर, ही आस्क्ड मी हाउ डिड आई नॉट नो हिम, कौन से में दिया है, ही आस्क्ड मी हाउ आई डिड नॉट नो हिम लिखा, एक दिया ये तो पहले कैंसिल हो गया, ही आस्क्ड मी हाउ आई हैड नहीं चाहिए सर, ही आस्क्ड मी हाउ डिड आई नॉट नो हिम एक दिया इसने, डिड आई नॉट, ठीक है, तो ये नहीं चाहिए मुझे, ये तो असर्टिव बनाना पड़ेगा, तो उसका आंसर क्या बनेगा, ए वाला, ये लगेगा आए सब्जेक्ट, फिर ये हेल्पिंग अब, ये लगा आपका नेगेटिव वाला वर्ड, और ये आपका वी वन लगाया, ठीक है, तो हाउ आई डिड नॉट नो हिम वाला आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, ठीक है, लिखता है शी सेड टू मी यू नो मी डोंट यू, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात समझना, क्वेश्चन टैग को, ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट नहीं किया जाता, यूज नहीं किया जाता, ठीक है, दैट इज वी डू नॉट यूज क्वेश्चन टैग इन इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है, ये ध्यान रखे चलना, क्वेश्चन टैग का प्रयोग इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं होता, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो भैया इस भैया को बाय बाय कर दो, ठीक है। लिखता है यू नो मी डोंट यू, तो नो तो मेरे पास सिर्फ वी वन है, इसको मेरे को सिर्फ बनाना पड़ेगा पास्ट के अंदर जाकर के एन ई डब्ल्यू का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो बोलना पड़ेगा कि ही आस्क्ड मी, लिखता है यू नो मी, ही आस्क्ड मी के साथ में क्वेश्चन कर रहा है तो इफ का तो इस्तेमाल करना पड़ेगा, ही आस्क्ड मी डैट का इस्तेमाल तो मैं करूंगा नहीं यहाँ पे, ठीक है। ही आस्क्ड मी इफ आई न्यू हर, कौन है, शी पूछ रही है, ठीक है, शी आस्क्ड मी इफ आई न्यू हर, ये इसका आंसर बनेगा। यहाँ पे आस्क्ड मी इफ आई हैड लगा दिया उसने, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, बी मिलेगा, शी आस्क्ड मी इफ आई न्यू हर, क्वेश्चन है ना वो, इस वजह से ऐसा हुआ। 31 के अंदर ध्यान दो, 31 के अंदर ये क्वेश्चन मार्क देख रहे हो बच्चों, आप में से जो बच्चे डैट देख करके गलती कर रहे लगाने की वो ना करें, डैट का इस्तेमाल स्टेटमेंट में होता है, डैट का इस्तेमाल स्टेटमेंट में होता है, ये ध्यान रखो, इसलिए इसका आंसर बनेगा इफ आई न्यू हर के साथ में, ये ध्यान रखना। अगर वहां फुल स्टॉप होता तो मैं सोचता आपका ए वाला, लेकिन यहाँ पे आपके पास फुल स्टॉप नहीं है, यहाँ पे आपके पास टैग लगाया हुआ है और एक क्वेश्चन मार्क होता है, ठीक है, तो ये ध्यान रख के चलना है आपने। अगले क्वेश्चन को देखो, देखो इसका एक्सप्लेनेशन दिया है मैंने, इनडायरेक्ट स्पीच हैज अ क्वेश्चन टैग देन इट इज रिमूव्ड इन इनडायरेक्ट स्पीच, इफ डायरेक्ट स्पीच हैज अ क्वेश्चन टैग इट इज रिमूव्ड इन इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। अब आंसर्स आपके सब सही आ रहे हैं, कोई बात नहीं, लिखो, लिखता है प्रभास एड टू मी यू विल हेल्प मी वॉन्ट यू, मुझे कन्वर्ट करके बताओ बेटा इसको, जल्दी से कन्वर्ट करके बताइए इसका। मैराथन का बेटा कपिल बताऊंगा मैं आपको, मैराथन का पहले मेरे को टाइम टेबल बाकी टीचर्स के साथ डिस्कस करना पड़ेगा कि फिजिक्स के मैराथन का टाइमिंग क्या है, मैथ्स का तो अनाउंस हो चुका है, डॉक्टर गिरिराज आपकी कन्वर्ट कर रहे हैं मैराथन क्लास, एक लगभग 12 घंटे की होगी पूरी, ठीक है। डॉक्टर गिरिराज आपको मैथ्स का मैराथन सेशन देंगे, 31 तारीख का है वो, ठीक है, 31 का है, रात को 8 PM से लेकर के सुबह के 8 बजे तक चलेगा वो, ठीक है, सुबह के 8 AM तक चलेगा, ये तो मैथ्स का अनाउंस हो चुका है, इसका नोटिफिकेशन आपको मिल गया है टेलीग्राम पे, ठीक है। बाकी जितने भी मैराथन होनी तो है, ये तो श्योर है, ठीक है, जो भी मैराथन आगे होनी है इनका टाइम टेबल डिस्कस करके आपको नोटिफिकेशन में मिल जाना चाहिए,
ठीक है। अब मुझे इसका आंसर लिख के दो, क्या लिखोगे? तो सबसे पहली बात आती है क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, ध्यान दे देना, ठीक है। टैग हटा रहे हैं लेकिन क्वेश्चन फॉर्मेट नहीं चेंज कर रहे हैं। क्या लिखेगा? प्रभा सेड टू मी, तो लिखा जाएगा प्रभा आस्क्ड मी इफ, ठीक है, आई के साथ में विल के साथ वुड का कन्वर्जन होता है, इफ आई वुड हेल्प हर। बस मेरा सेंटेंस इतने पे खत्म हो जाएगा, मैं आगे जाकर के कुछ और कन्वर्ट नहीं करूंगा। इफ आई वुड हेल्प हर, प्रभा लड़की है, हाँ प्रभा तुमने लड़का मान लिया तो भाई हिम लगा दो, ठीक है। चलो बच्चों आगे आ जाओ, ठीक है, लिखते हैं ये, ही सेड टू मी डू नॉट कम हियर, ठीक है, ही सेड टू मी डू नॉट कम हियर। जल्दी जल्दी करना है, सर आ चुके हैं आपको अगले क्लास पढ़ाने, अंकित सर हैं यहाँ पे अब, ठीक है। तो 5 मिनट बचे हैं मेरे पास, जल्दी से इसको करो सॉल्व, फिर अपना कल देखते हैं कि कैसे क्लास वर्क चलाना है। लिखते हैं ये, शी सेड टू मी डू नॉट कम हियर, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखना ये फॉरवर्ड वाला इस्तेमाल है, कुछ बातें बस बेसिक ध्यान रखना कि जब फॉरवर्ड आता है तो उसके साथ में नॉट का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि फॉरवर्ड खुद ही नेगेटिव नेचर का होता है। फॉरवर्ड क्या होता है? खुद ही नेगेटिव नेचर का होता है, ठीक है। तो इसमें बड़ा आसान चीज है, तो लिखा जाएगा हियर का तो देर बनाना है सबसे पहली बात, ठीक है, डू नॉट कम हियर, तो फॉरबिड मी टू कम देर, ये ध्यान रखना। टू के बाद में वी वन लगती है, कभी सेकंड फॉर्म लगाने की गलती मत कर देना, वी टू मत लगा देना। यहां पे मुझे क्या चाहिए था इसके बाद? वी वन चाहिए था, ठीक है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए होता है टू के बाद में, ओके। तो कभी आप सोचो कि सेकंड फॉर्म लगानी थी, तो ध्यान रखो इसके साथ में ए वाला आंसर आएगा, शी फॉरबिड मी टू कम देर। बाकी क्यों नहीं है? फ्रॉम लगा रहे हैं, फॉरबिड फ्रॉम नहीं होता है, फॉरबिड के बाद में नॉट नहीं होता है, ऑर्डर्ड मी नॉट टू कम देर, देखो शी ऑर्डर्ड मी नॉट टू कम हियर कर दिया, देर होता तो मैं सोच लेता, लेकिन तब ऊपर वाला ऑप्शन नहीं होता, एक ही तो ऑप्शन प्रोवाइड करके चलता है। गौतम, गौतम ध्यान दे बेटा, हियर का देर नहीं बनाएगा, हियर का देर भी तो बनाएगा गौतम, ठीक है। गौतम डी कह रहा है, गलत कर रहा है, हियर का देर तो बना बेटा, गौतम ठाकुर हियर का देर बनाओ बच्चे, ये तो ध्यान रखो कन्वर्जन हो रहा है, जो रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट टेंस में है, हमें हियर का देर में कन्वर्जन करना पड़ेगा, और ये एच ई आर ई लिखा हुआ है, ये ध्यान दो बेटा, ठीक है। गौतम लगातार डी आंसर मार्क कर रहे हो, ध्यान दो। अगले को देखो, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, अच्छा इंपेरेटिव स्टार्ट हो गए, मुझे रुकना पड़ेगा इंपेरेटिव के लिए, तो ये तो कल ही करवाऊंगा, ठीक है। अब मैं यहां पर रोक रहा हूं क्लास को, क्योंकि लगातार ये लैग हो ही जा रहा है, हाँ ए को लॉक किया जाए अरविंद, ठीक है। तो अरविंद कल हमारे पास सर कौन सा डे है? कल तो तुम्हारा टेस्ट भी है ना, थर्सडे, आज तुम्हारा टेस्ट है, शाम को 5 बजे तुम्हारा टेस्ट भी होना है एक्स वाई का ना। तो कल का ऐसा रखेंगे कि जो भी मुझे टाइम स्लॉट मिलेगा मैं अपना स्लॉट आखिरी वाला रखवाऊंगा, समझ रहे हो? ध्यान से सुनो मेरी बात को, ध्यान से। अरे सर आ गए यार, मनोज सर यहाँ पे सामने है, अभी अगली क्लास है मैथ्स की, इस वजह से कह रहा हूँ, ठीक है। तो देखो कल जो फ्राइडे है, तो फ्राइडे को सबसे पहली बात मैं अपना स्लॉट आखिरी वाला रखवाऊंगा, ठीक है। कल थर्सडे फ्राइडे सर, थर्सडे है कल, सॉरी कल थर्सडे है, ठीक है। तो थर्सडे को जो एनालिसिस होगा आपका, उस एनालिसिस में आप मान के चलना कि मैं कम से कम 3 घंटे यूज करूंगा आपके साथ में, ठीक है, पूरे 3 घंटे स्पेंड करूंगा, यह मान के चलना कि कल थर्सडे को एक मैराथन के जैसे ही कन्वर्ट कर दूंगा उसको मैं, ठीक है। तो मेरा स्लॉट सर आप आखिरी वाला रखना, ताकि सब टीचर्स अपने फ्री हो जाएं, फिर आप मुझे टाइम बना लेना। और आज का काम, और पिछले 2 दिन से मैं छुट्टी पे था जो बुखार की वजह से, ये मैं पूरा करवाऊंगा आपका, इसके अंदर नरेशंस आपका मैं पूरा फुल खत्म करवाऊंगा, ठीक है। नरेशंस हमारा फुल खत्म हो जाएगा, और साथ में जो एनालिसिस होता है ये भी आपका कल है, ध्यान रखना 3 घंटे की सेशन। टाइमिंग का आपको मैं नोटिफिकेशन में बताऊंगा सर से पूछ करके, ये आप चेक करना टेलीग्राम पे, ठीक है। टाइमिंग का जो नोटिफिकेशन होगा वो टेलीग्राम पे आप लोग चेक कर लोगे, ठीक है बच्चों। तो ये ध्यान रखना 3 घंटे मान के चलना कि मैं कल नरेशन खत्म कर दूंगा, और मैं एनालिसिस भी दूंगा आपको, जो 20 क्वेश्चन आपके कल के मॉक टेस्ट के, आज के मॉक टेस्ट के अंदर जो पूछ जाएंगे वो कल एनालाइज भी करके दूंगा, ठीक है। उसके बाद में भी और मैं आपके पास ऐसी क्लासेस लेके आऊंगा जिसमें आपका सिलेबस अब एडजेक्टिव्स का भी है, वो भी जल्दी जल्दी मैं पूरा करा के एग्जाम से पहले आपको भेजूं, ठीक है। तो जितना भी डैमेज है वो कंट्रोल हो सकता है और होगा, उससे आप बेफिक्र रहो, ठीक है। आज की क्लास बस यही रोकते हैं बच्चों, कल मिलते हैं, जय हिंद, थैंक यू।